जी तो स्टूडेंट्स अब आते हैं कॉपी के वर्क की तरफ कि कॉपी में काम किस तरीके से करना है और हमें क्या क्या काम कॉपी में करना है और क्या काम बुक में करना है। तो मैंने आपके लिए एक कॉपी प्रिपेयर की है, ये आपकी इस्लामियात की कॉपी है, ठीक है। और ये सबसे पहला पेज इंडेक्स का होगा। आपने कॉपी पे सबसे पहले कवर प्लेस करना है, कवर चढ़ाना है और यहाँ अपना नाम प्लेस करना है। इसके अलावा यहाँ क्लास मेंशन करनी है अपनी, वन और मज़मून यानी कि इस्लामियात सेक्शन में आप कुछ नहीं लिखेंगे, गॉट इट। नाम अपनी किताब और कॉपी पर लाजमी लिखना है ताकि जब आप वापस लेने आए तो आपको आपकी किताब और कॉपी आपके नाम के हिसाब से देखकर आपको रिटर्न बैक की जाए। दूसरा, सबसे पहले आपके पास इंडेक्स का पेज होगा। ये कैसे प्रिपेयर करेंगे ये हम बाद में देखेंगे। इंडेक्स के पेजेस 1, 2 दो पेजेस हैं। उसके बाद आपको इस तरीके का एक पेज मिलेगा, ठीक। इस पेज में पहला आपको नजर आ रहा है मंसूबा बंदी बराए पहली मियाद, ये आपकी सिलेबस आउटलाइन है जो आप फर्स्ट बाय मंथली और मिड टर्म में पढ़ेंगे। फिर आपके पास है मिड टर्म की आउटलाइन और ये आपके चैप्टर की यानी आपके सबक आपके बाब का चैप्टर का नाम है। आपने क्या करना है, इन आउटलाइंस को इस तरीके से स्केल से या सीजर से कट कर लेना है, अलग अलग कर लेना है अपने पेरेंट्स की हेल्प से, या तो सीजर से या फिर स्केल से। जो आपको ये वाली आउटलाइन नज़र आ रही है सबसे पहले आपकी मिड टर्म की मिकाते अव्वल की आउटलाइन लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपकी कौन सी आउटलाइन लगेगी, सिलेबस आउटलाइन लगेगी जिसमें हम जो जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उनके बारे में हैं। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज पर आपके चैप्टर की आउटलाइन आएगी, जो सबक हमने आज पढ़ा है, अल्लाह एक है, तो हमने ये तैयार कर लिया। अब उसके बाद आप यहाँ पर काम स्टार्ट करेंगे। काम जो आप स्टार्ट करेंगे वो किस तरीके से, आपको ये पेपर मिला हुआ है, कौन सा काम कॉपी में करना है और कौन सा काम किताब पे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपकी देखें पेंसिल अच्छे से शार्प होनी चाहिए, ब्लू कलर होना चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, सवाल जवाब। आपने क्या करना है, सबसे पहले डेट डालनी है, कौन सी डेट, जिस डेट को आप काम कर रहे हैं। सपोज करें कल मंडे को डेट है 13, तो आप डालेंगे यहाँ पर 13 जुलाई 20, इस तरीके से आप डेट डालेंगे। और चूंकि आप सबसे पहले करने जा रहे हैं सवाल जवाब, तो आपने ब्लू कलर पेंसिल से हेडिंग डालनी है सवाल जवाब, ठीक, सही। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले सवाल नंबर एक आपने पेंसिल से ही करना है, आपने इस तरीके से लिखना है, ठीक। या तो आप ऐसे लिख लें या फिर आप सीन लिखकर इस तरीके से वन लिख लें, ठीक। अच्छा, पेंसिल बहुत शार्प होनी चाहिए, ये दुनिया किस ने बनाई है, ठीक है। तो आपने देखा कितना नीट एंड क्लीन काम किया है। फिर जवाब जब लिखेंगे एक लाइन छोड़कर आपने यहाँ लिखना है जीम, ठीक है, और जवाब क्या है, अल्लाह, तो यहाँ आ जाएगा अल्लाह ने। सवाल जवाब जब मुकम्मल हो जाएंगे तो अगले पेज पर आप हेडिंग डालेंगे खाली जगहें पुर करें। फिर इसी तरीके से अगले पेज पर आप हेडिंग डालेंगे सही और गलत पर निशान लगाएं, जितनी भी खाली जगह हैं उनको आपने ब्लू कलर पेंसिल से लिखना है, ठीक है, कलर नहीं करना, लिखना है, ठीक। इसके अलावा
आपको इस तरह की एक वर्कशीट दी हुई है, ये आपने किताब के अंदर करनी है। किसके अंदर करनी है? किताब के अंदर। किताब के कौन से सफ़े पर? सफ़ा नंबर 13 पर। सफ़ा नंबर 13 पर आपको इस तरीके से एक मालूमाती जाल, जिसको हम बबल मैप भी कहते हैं, कि आपने इसको मुकम्मल करना है। अल्लाह ताला के बारे में लिखना है कि अल्लाह ताला एक है, रब है, दुनिया बनाई और क्या क्या चीज़ें दी उसने, आपने क्या क्या पढ़ा अल्लाह ताला के बारे में, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका किताब का सफ़ा नंबर 14 और 15 भी करना है। तो आपने यहाँ पर बताना है कि अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें देखने के लिए ये क्या है, आँखें दी, काम के लिए हाथ दिए, चलने के लिए शाबाश। इस तरीके से आपने कंप्लीट करना है। आपको ऊपर वर्ड दिए हुए हैं, उन वर्ड्स को देखकर यहाँ पर प्लेस करना है। रीडिंग के साथ कीजिएगा। सफ़ा नंबर 15 पर आपको ये पेज नज़र आ रहा है, इसको भी आपने इसी तरीके से फिल आउट करना है जो ऊपर चीज़ें दी गई हैं। ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। काम को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है, कॉपी को मेंटेन करके रखिएगा। और उसके बाद हम बनाएंगे इंडेक्स। इंडेक्स कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे उनवान का नाम है अल्लाह एक है, ठीक। उसके बाद तारीख डालेंगे, जो काम आपने जिस तारीख को किया है आप वही तारीख डालेंगे। पहले आ गया सवाल जवाब, फिर आ गया खाली जगहें पुर करें, फिर आ जाता है सही और गलत पर निशान लगाएं, सही और गलत लिख देते। फिर आ जाता है आपके पास काम। आपने सपोज करें ये 14 जुलाई को किया, ये 15 जुलाई को किया, तो आप वही डेट डालेंगे। हर पेज पर तारीख होनी चाहिए, इंडेक्स कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ पर वालदैन के दस्तखत होने चाहिए, ताकि उसके बाद आपका टीचर यहाँ सिग्नेचर करे। तो इंशाल्लाह ताला मुझे पता है आप लोग काम अच्छे से करेंगे और नीट एंड क्लीन करना है। तो देखते हैं कि काम कौन अच्छा करके लेकर आता है।